हमारे बीजेपी साहब इतना बढ़िया बात बोल रहे हैं, परसेप्शन बनाना है तो हम इसके बाद से मानेंगे कि हम अपना स्टडी करके जो फैक्ट है, जो फैक्ट फिगर है, जो डेटा है, उस हिसाब से हम लोग निर्णय लेंगे। हम इस तरह ही कहना चाहते कि भाई इन मीडिया वाले को जो चलाना है चलाने दी, इन पे भारी प्रेशर है, लेकिन मीडिया और हेडलाइन देख करके अपना व्यू मत बनाइए। आप लोग जो है कॉन्क्रीट डेटा पे जाइए ना। अभी हमारे डीजीपी साहब कितना बढ़िया बात बोल रहे थे, एनसीआर जी कहाँ का, अगर हमको परसेप्शन बनाना है तो हम किसी के बात से मानेंगे कि हम अपना स्टडी करके जो फैक्ट है, जो फैक्ट फिगर है, जो डेटा है, उस हिसाब से हम लोग निर्णय लेंगे। आज आप लोग भी स्ट्रैटेजी बनाते होंगे कंपनीज का बढ़ाने का, तो क्या चीज देखते हैं, डेटा देखते हैं, अलग से कंसल्टेंट बुलाते हैं, प्लान बनाते हैं, शेयरिंग होता है, हर एक चीज़ों का नॉलेज होता है, तब ना करते हैं। अब कोई कह देगा कि बिहार में जंगल है तो जंगल राज, आप बताओ रातों रात कैसे जंगल राज आ गया भाई, बिहार में कौन सा कबूल है। कोई कोई बताइए, 9 तारीख को 10 तारीख हम लोगों का ओथ हुआ, उसके बाद से जंगल राज कहाँ से। तो कोई बात नहीं, एनसीआर जी का आंकड़ा देख लीजिए कितना पीछे, टॉप 15 में भी नहीं है, मिजर ट्रेंड है। अभी आप लोग इंश्योरिटी भी, अगर आपको वहां जरूरत भी पड़े तो भाई पुलिस चौकी भी हम लोग खुलवा सकते हैं। डीजीपी साहब ये भी देख लीजिएगा, पुलिस चौकी अगर इतना कहीं लगे तो भाई पुलिस चौकी भी हम लोग खुलवा सकते हैं। हम लोग ओपन है, एकदम कोई फिक्र की बात नहीं। यहाँ नीतीश कुमार जी का सरकार है, महागठबंधन का सरकार है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। करप्शन, क्राइम और कम्युनलिज्म से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, और आपकी सिक्योरिटी हम लोग सब लोग जो है इंश्योर करते हैं। कोई घबराने की बात नहीं, बल्कि वो पॉलिसीज में भी रिलैक्सेशन अगर लाने पड़े, चेंजेस लाने पड़े, तो वी आर ओपन टू डू इट। लेकिन हम तो भाई आप लोगों से बस इतना ही कहेंगे कि आप लोग जो है, आपके भी इतने कॉन्टैक्ट हो गए भाई, आप तो आ गए, कुछ लोग तो आ गए, लेकिन और भी लोगों को भी लाइए, अपना एक्सपीरियंस बताने का काम कीजिए। सब कुछ यहाँ तैयार है, बस टेक ऑफ आप लोगों को करना है। अब आप लोग जल्दी टेक ऑफ कीजिए और बिहार का जो प्रकल्प है वो बदलिए, और हम लोग तो सारा काम हम लोग करेंगे ही इस दिशा में। हम लोगों का कई योजना भी चल रहा है हर जगह से, हेल्थ से लेकर के पढ़ाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई, हर तरह का काम जो है हम लोगों की सरकार जो है माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं, और बिहार जो है आगे बढ़ रहा। लेकिन कोई लोगों को लिखता है, लिखते रहने दीजिए, कहीं कुछ काम नहीं होता, उसी की बड़ाई होती है, जो काम करता है उसकी बड़ाई होती ही नहीं है। और बेचारे यहाँ मीडिया वाले लोग हैं, इन लोगों को क्या चाहिए, मिर्च मसाला चाहिए और कोई लेना देना है, उससे कोई मतलब नहीं। अब कहीं टीआरपी चाहिए किसी को जो है व्यूज चाहिए, तो इन लोगों का काम है, ठीक है, इन लोग अपना काम करते रहे, लेकिन भाई आप लोग भी तो बिहार के ही है ना। अगर इस तरह का भय का वातावरण बनाइएगा तो कहाँ से लोग आएंगे। और कुछ लोग तो आज के बैठक के बाद तो और कलेजा पे उन लोगों के बाहर आया होगा, कुछ लोग और चिंतित होंगे, विचलित होंगे, सोचते हैं कि और जंगल राज को महाजंगल राज में कैसे बदला जाए। तो ये सब में आप लोग ध्यान मत दीजिए, हम आप लोगों का फिर से स्वागत करते हैं, आप लोगों को हम बधाई देते हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी और सारे यहाँ पदाधिकारी अधिकारियों को भी धन्यवाद देते हैं, और अपनी बात को यही समाप्त करते हैं। फिर मौका मिलेगा, फिर हम लोग बात करेंगे और बेहतर ढंग से बिहार को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।